टॉप 5 बेस्ट 5G फोन अंडर 15,000 इन बिग दिवाली सेल। तो हाँ गाइस, के अभी के समय आप 15,000 के अंदर में अपने लिए बेस्ट और परफेक्ट 5G फोन बाय करने की सोच रहे हो, बट आप मार्केट के अंदर काफी सारे स्मार्टफोन देखकर काफी कंफ्यूज हो चुके हो, तो कोई बात नहीं, क्योंकि मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ 15,000 के अंदर आने वाले बेस्ट फोन के बारे में जो आप इस दिवाली सेल में बाय कर पाओगे, जिसपे आपको गेमिंग के लिए मोस्ट पावरफुल 5G प्रोसेसर मिल जाएगा और एक अच्छा कैमरा सेटअप मिल जाएगा जो OIS को भी सपोर्ट करता है, और यहाँ तक कि आप 4K वीडियो भी शूट कर पाओगे, और लंबी देर तक चलने वाली 6000mAh की बड़ी बैटरी भी मिल जाएगी, और उसके अलावा 12GB की रैम और सुपर AMOLED डिस्प्ले भी मिलने वाला है। तो बिना टाइम वेस्ट के चलिए जल्दी से वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। और 5th नंबर पर था Redmi Note 12 5G। तो वैसे यदि आपको 15,000 के अंदर में कोई Redmi का 5G फोन बाय करना जिसमें आपको सुपर AMOLED डिस्प्ले मिल जाए, तो आप इस फोन की तरफ एक नजर डाल सकते हो। तो चलिए डिटेल में जानते हैं इसके स्पेसिफिकेशन के बारे में, और पहले स्टार्ट करते हैं इसके डिस्प्ले से। तो इसमें आपको 6.67 इंचेस की फुल HD प्लस सुपर AMOLED डिस्प्ले दी गई, जिसपे काम करती है 120 हर्ट्ज की फास्ट रिफ्रेश रेट, और उसके अलावा 360 हर्ट्ज का TSR और 1200 नीट्स की पीक ब्राइटनेस भी दी गई है, और GG3 की प्रोटेक्शन, और इसके साइड में आपको साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर भी दिया गया है। तो देखो, Redmi ने इसके डिस्प्ले को बेस्ट बनाने में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं किया है, और आप एक मल्टीमीडिया लवर हो तो इसका डिस्प्ले आपको काफी पसंद आने वाला है। और इसके बैटरी कैपेसिटी की बात करें तो इसमें आपको 5000mAh की बैटरी दी गई, जो सपोर्ट करती है 33W के फास्ट चार्जर को। और इसके चिपसेट पे इसमें आपको स्नैपड्रैगन 4 Gen 1 का 5G प्रोसेसर दिया गया, जो 5G के 7 बैंड्स को सपोर्ट करता है, और ये प्रोसेसर 6 NF पे बेस है, और 380,000 के आसपास इसका एंटूथु स्कोर कर जाता है, और आप इसके ऊपर PUBG और COD को मीडियम सेटिंग पे इजिली रन कर पाओगे। और इसमें आपको LPDDR4X 4X की रैम और UFS 2.2 की स्टोरेज भी दी गई है। और इसके कैमरा की बात करें तो इसके बैक साइड में आपको ट्रिपल कैमरे का सेटअप दिया गया, 48MP का मेन कैमरा और 8MP का अल्ट्रा वाइड कैमरा, और 2 का मैक्रो भी दिया गया है। और सामने की ओर आपको पंच होल में 13MP की सेल्फी शूटर मिल जाती है। तो देखो, इसका कैमरा बिल्कुल एवरेज काम करता है, जिससे आप दिन के समय ठीक ठाक पिक्चर्स और वीडियोस ले पाओगे, और आप इसके बैक और फ्रंट कैमरा से मैक्सिमम 1080p पे 30fps पे वीडियो शूट कर पाओगे। और बात करें इसके प्राइसिंग की, तो इसके 4128 का प्राइस 14,000 पड़ता है फ्लिपकार्ट के ऊपर। तो चलिए अब इस वीडियो में थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। 4th नंबर पे आता है रियलमी 11 5G, और ये रियलमी का काफी अच्छा 5G फोन है, जिसमें आपको 108MP का कैमरा भी मिल जाता है। तो चलिए जानते हैं इसके स्पेसिफिकेशन के बारे में, और स्टार्ट करते हैं इसके कैमरा से। तो इसके बैक साइड में आपको डुअल कैमरे का सेटअप दिया गया है, 108MP का मेन कैमरा विद अपर्चर 1.8, और इसमें सैमसंग HM6 का कैमरा सेंसर लगा है, और 2MP का डेप्थ कैमरा भी दिया गया है। और फ्रंट फेस कैमरा में आपको 16MP की सेल्फी शूटर दी गई है। इसका डेप्थ कैमरा तो किसी काम का तो नहीं है, बट आप इसके मेन कैमरा इसके सेल्फी से दिन के समय काफी अच्छे पिक्चर्स और वीडियो ले पाओगे, और आप इसके बैक और फ्रंट कैमरा से मैक्सिमम 1080p पे 30fps पे वीडियो शूट कर पाओगे। और इसके बैटरी कैपेसिटी की बात करें तो इसमें आपको 5000mAh की बैटरी दी गई, जो सपोर्ट करती है 67W के फास्ट चार्जर को, जो इस डिवाइस को 1 घंटे के अंदर फुल चार्ज भी कर देगा। और इसके चिपसेट की बात करें तो इसमें आपको MediaTek Dimensity 6100 का 5G प्रोसेसर दिया गया, जो 5G के 9 बैंड्स को सपोर्ट करता है, और इसका एंटूथु स्कोर 440,000 के आसपास स्कोर कर जाता है, और ये प्रोसेसर 6 NF पे बेस है, और इसमें आपको LPDDR4X की रैम और UFS 2.2 की स्टोरेज भी दी गई है, और ये डिवाइस एंड्रॉइड 13 पर रन करता है, जिसपे आपको 2 साल का मेजर अपडेट भी मिल जाएगा। और इसके डिस्प्ले पे आए तो इसमें आपको 6.72 इंचेस की फुल HD प्लस IPS डिस्प्ले दी गई, जिसपे काम करती है 120 हर्ट्ज की फास्ट रिफ्रेश रेट, और उसके अलावा 680 नीट्स की पीक ब्राइटनेस, और साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर भी दिया गया है। तो देखो, इसमें आपको IPS डिस्प्ले दी तो गई, बट इसके डिस्प्ले की क्वालिटी काफी अच्छी है, और 120 हर्ट्ज भी काफी स्मूथ और स्टेबल काम करता है। और बात करें इसके प्राइसिंग की, तो इसके 6128 का प्राइस 15,000 पड़ता है फ्लिपकार्ट के ऊपर, और 15,000 के अंदर में ये रियलमी का काफी अच्छा स्मार्टफोन है, जिसमें आपको 108MP का मेन कैमरा मिल जाता है। और यदि आपको एक रियलमी का 5G फोन लेना है जिसपे आपको सुपर AMOLED डिस्प्ले मिल जाए, तो आप रियलमी नार्जो 60 5G को बाय कर सकते हो। और मेरे इस लिस्ट पे 3rd नंबर पे आता है 15,000 के अंदर मोटो का बेस्ट स्मार्टफोन मोटो G54 5G, और इसके 8128 का प्राइस 14,000 पड़ता है, और 12256 का प्राइस 16,000 पड़ता है फ्लिपकार्ट के ऊपर, और नो डाउट के 15-16,000
2000 के अंदर में ये मोटो का वन ऑफ द बेस्ट स्मार्टफोन है जो आपको अपने प्राइसिंग पे बेस्ट स्पेसिफिकेशन ऑफर करती है। तो चलिए बात करते हैं इसके स्पेसिफिकेशन के बारे में और पहले स्टार्ट करते हैं इसके डिस्प्ले से। तो इसमें आपको 6.5 इंचेस की फुल HD प्लस IPS डिस्प्ले दी गई जिसपे काम करती है 120 हर्ट्ज की फास्ट रिफ्रेश रेट और उसके अलावा इसमें आपको 240 हर्ट्ज का TSR और 560 नीट्स की पीक ब्राइटनेस भी दी गई है और पांडा ग्लास की प्रोटेक्शन और साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर भी दिया गया है। और आप देख सकते हो इसके डिस्प्ले की क्वालिटी काफी अच्छी है और मल्टीमीडिया एक्सपीरियंस को और इनहेंस करने के लिए इसमें आपको डुअल स्पीकर भी दिया गया है और मल्टीमीडिया को लंबे देर तक एंजॉय करने के लिए इसमें आपको 6000 mAh की बड़ी बैटरी दी गई जिसपे आपको आराम से 1 से 2 दिन का बैटरी बैकअप मिल जाएगा और ये फोन 33 वाट के फास्ट चार्जर को सपोर्ट करता है। और इसके प्रोसेसर की बात करें तो इसमें आपको मीडियाटेक डायमेंसिटी 7020 का 5G प्रोसेसर दिया गया जो 5G के 14 बैंड्स को सपोर्ट करता है और 440,000 के आसपास इसका एंथुसू स्कोर कर जाता है। ये प्रोसेसर 6nm पे बेस है और आप इसके ऊपर कैजुअल गेमिंग आराम से कर पाओगे और ये डिवाइस एंड्रॉइड 13 पे रन करता है जिसपे आपको 1 साल का मेजर अपडेट भी मिल जाएगा। और इसके कैमरा पे आए तो इसके बैक साइड में आपको डुअल कैमरे का सेटअप दिया गया है 50 मेगापिक्सल का मेन कैमरा जो वॉइस को भी सपोर्ट करता है और 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड कैमरा भी दिया गया है और सामने की और आपको पंच होल में 16 मेगापिक्सल की सेल्फी शूटर मिल जाती है और आप इसके बैक और फ्रंट कैमरा से मैक्सिमम 1080p पे 30fps पे वीडियो शूट कर पाओगे। तो गाइस देखो 15000 के अंदर में ये मोटो की तरफ से सुपर वैल्यू फॉर मनी डिवाइस है और यदि आप इस डिवाइस पे इंटरेस्टेड हो तो इस डिवाइस को फ्लिपकार्ट से बाय कर सकते हो। तो चलिए अब इस वीडियो में थोड़ा सा आगे बढ़ते और सेकंड नंबर पे आता है सैमसंग गैलेक्सी M34 5G और इसमें आपको 6.5 इंचेस की फुल HD प्लस यू नॉच वाली सुपर एमोलेड डिस्प्ले दी गई जिसपे काम करती है 120 हर्ट्ज की फास्ट रिफ्रेश रेट और उसके अलावा 1000 नीट्स की पीक ब्राइटनेस और GG5 की प्रोटेक्शन भी दी गई है। तो देखो इसके डिस्प्ले की क्वालिटी काफी लाजवाब है और इसका डिस्प्ले काफी ब्राइट भी है और इसके साइड में आपको साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर भी दिया गया है। और इसके बैटरी कैपेसिटी की बात करें तो इसमें आपको 6000 mAh की बड़ी बैटरी दी गई जिसपे आपको आराम से 1 से 2 दिन का बैटरी बैकअप मिल जाएगा जो एक काफी अच्छी बात है। बट बुरी बात यह कि इसके बॉक्स में आपको एडाप्टर नहीं दिया गया है, वो आपको अलग से बाय करना पड़ेगा। और ये फोन 25 वाट के टाइप सी चार्जर को सपोर्ट करता है और इसके चिपसेट की बात करें तो इसमें आपको सैमसंग का खुद का प्रोसेसर एक्जिनोस 1280 का 5G प्रोसेसर दिया गया जो 5G के 10 बैंड्स के साथ आता है और ये प्रोसेसर ओनली 5nm पे बेस है और 400,000 के नियर इसका एंथुसू स्कोर कर जाता है। और एक बात मैं आपको पहले क्लियरली कह दूं कि ये कोई गेमिंग प्रोसेसर नहीं है बट आप इसके ऊपर नॉर्मल गेम्स को आसानी से रन कर पाओगे। और इसके कैमरा पे आए तो इसके बैक साइड में आपको ट्रिपल कैमरे का सेटअप दिया गया 50 मेगापिक्सल का मेन कैमरा जो OIS को भी सपोर्ट करता है और आप इससे 4K 30fps पे वीडियो भी शूट कर पाओगे और 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड कैमरा और 2 का मैक्रो भी दिया गया है और सामने की और आपको यू नॉच पे 13 मेगापिक्सल की सेल्फी शूटर दी गई है। तो देखो सैमसंग अपने स्मार्टफोन को कैमरे के साथ काफी अच्छे से ऑप्टिमाइज करता है जिससे पिक्चर्स और वीडियोस काफी नेचुरल और शार्प आते हैं। और बात करें इसके प्राइसिंग की तो इसके 6128 का प्राइस 16,500 पड़ता है बट ऑफर अप्लाई करने के बाद आप इस डिवाइस को 15,000 के अंदर बाय कर पाओगे। और यदि आपको 15-16,000 के अंदर में कोई सैमसंग का फोन लेना है तो आई एम डैम श्योर कि ये फोन आपको काफी पसंद आने वाला है। और मेरे इस लिस्ट पे पहले नंबर पे आता है वीवो का कंप्लीट 5G फोन वीवो T2 5G और ये वीवो का काफी अच्छा फोन है जिसपे आपको डिसेंट डिस्प्ले कैमरा टॉप नॉच की मिल जाती है और इन शॉर्ट में आप इसे एक ऑलराउंडर फोन भी बोल सकते हो। तो चलिए डिटेल में जानते हैं इसके स्पेसिफिकेशन के बारे में और पहले स्टार्ट करते हैं इसके डिस्प्ले से। तो इसमें आपको 6.43 इंचेस की फुल HD प्लस सुपर एमोलेड डिस्प्ले दी गई है जिसपे काम करती है 90 हर्ट्ज की फास्ट रिफ्रेश रेट और उसके अलावा 360 हर्ट्ज का TSR और 1300 नीट्स की पीक ब्राइटनेस भी दी गई है। तो देखो इसका डिस्प्ले तो काफी अच्छा है ही और अच्छी बात यह है कि इसमें आपको इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर भी दिया गया है। और इसके बैटरी कैपेसिटी की बात करें तो इसमें आपको 4500 mAh की बैटरी दी गई जो सपोर्ट करती है 44 वाट के फास्ट चार्जर को जो इस डिवाइस को 1 घंटा के अंदर फुल चार्ज भी कर देगा। और इसके चिपसेट की बात करें तो इसमें आपको स्नैपड्रैगन 695 का 5G प्रोसेसर दिया गया जो 5G के 6 बैंड्स को सपोर्ट करता है और ये प्रोसेसर 6nm पे बेस है और 400,000 के नियर इसका एंथुसू स्कोर कर जाता है और 15-20,000 के प्राइस पॉइंट के अंदर में ये चिपसेट काफी पॉपुलर है और आप इसके ऊपर अच्छी खासी गेमिंग भी कर पाओगे। और इसमें आपको LPDDR4X की रैम और UFS 2.2 की स्टोरेज भी दी गई है। और इसके कैमरा की बात करें तो इसके बैक साइड में आपको डुअल कैमरे का सेटअप दिया गया है 64 मेगापिक्सल का मेन कैमरा और इसमें सैमसंग GW3 का कैमरा सेंसर लगा है और इसका कैमरा OIS को भी सपोर्ट करता है और 2 मेगापिक्सल का यूजलेस मैक्रो कैमरा भी दिया गया है। और फ्रंट फेस कैमरा में आपको 16 मेगापिक्सल की सेल्फी शूटर दी गई है। तो देखो इसके मैक्रो के कैमरा को छोड़कर इसके बाकी कैमरा काफी अच्छे
काम करते हैं जिसमें आप डे लाइट एज वेल नाइट में भी काफी अच्छे पिक्चर्स और वीडियोस ले पाओगे। और फ्लिपकार्ट के ऊपर इसके कैमरा को काफी अच्छी रेटिंग भी दी गई है और आप इसके बैक और फ्रंट कैमरा से मैक्सिमम 1080p पे 30fps पे वीडियो शूट कर पाओगे। और फाइनली बात करें इसके प्राइसिंग की, इसके 6128 का प्राइस वैसे तो 18,000 पड़ता है, बट बैंक ऑफर अप्लाई करने के बाद आप इस डिवाइस को 15,500 पे बाय कर पाओगे फ्लिपकार्ट के ऊपर। और 15-16 हजार के अंदर में ये फोन बेस्ट स्पेसिफिकेशन ऑफर करता है।